सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के एक्सटेंडेड कट वर्जन के रिलीज के बारे में बिकॉज भाई इसके ऊपर रिसेंटली काफी सारी अच्छी अपडेट सामने निकल कर आई है। अगर आप लोग को नहीं पता एक्सटेंडेड कट क्या होता है तो भाई एक्सटेंडेड कट में आप लोग को वो पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं मूवी के जिनको मेन मूवी से निकाल दिया जाता है। एंड आप लोग को पता है भाई स्पाइडरमैन जिस कैलेबर की मूवी है कोई भी ऑडियंस नहीं चाहेगी कि वो भाई किसी पार्ट को मिस करे। इसके ऊपर कुछ अभी रिसेंटली इंप्रूवमेंट सामने निकल कर आई है एंड उसी के साथ कुछ और न्यू अपडेट्स भी सामने निकल कर आई है जिसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई स्पाइडरमैन नो वे होम जो कि 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है जिसने भाई वर्ल्ड वाइड पूरा लाइक बॉक्स ऑफिस मिलाकर अभी करंटली 1.8 बिलियन का कलेक्शन कर रखा है। एंड जो मेकर्स हैं इस मूवी के वो चाहते हैं कि इस कलेक्शन को और भी ज्यादा इंप्रूव करा जाए। दैट्स व्हाई इस मूवी का आप लोग को वीओडी रिलीज तो देखने को मिलेगा ही 23 तारीख को। इंडिया में मूवी 23 को आ रही है, वर्ल्ड वाइड मूवी 22 तारीख को देखने को मिल रही है। आप लोग को बुक माई शो पे 23 को अवेलेबल हो जाएगी बाय फेरेंट वाले ऑप्शन में। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी कवर कर रखा था, अगर उसको नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, सारी चीजें डिटेल में समझा रखी हैं। तो आप लोग को इसका वीओडी रिलीज तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ अभी जो रिसेंट अपडेट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग काफी सारी जगह पे वर्ल्ड वाइड इस मूवी को रिलीज करा जाएगा जिसमें आप लोग को इस मूवी का एक्सटेंडेड कट वर्जन देखने को मिलेगा। मतलब कि जो पहले इस मूवी की लेंथ थी वो आप लोग को थोड़ी बड़ी देखने को मिलेगी एंड काफी सारे पार्ट जिनको भाई मेन मूवी से डिलीट कर दिया गया था वो सारे पार्ट्स आप लोग को इस मूवी में देखने को मिलेंगे। अब देखो भाई ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी मूवी को थिएटर के अंदर रिलीज करा जा रहा है। इससे पहले भी आप लोग को काफी सारी जो बड़ी मूवीज हैं वो भाई थिएटर्स के अंदर दोबारा देखने को मिली थी विद एक्सटेंडेड कट वर्जन एंड वही सिमिलर चीज आप लोग को स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ देखने को मिलेगी। अब देखो भाई करंट अपडेट्स अकॉर्डिंग सोनी इस वर्जन को वर्ल्ड वाइड रिलीज करना चाह रहा है। दैट्स व्हाई काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप लोग को इंडिया में भी 11 मार्च को ये वाला वर्जन देखने को मिल सकता है। बट अगर किसी रीजन की वजह से जो वर्जन है आप लोग को 11 मार्च को देखने को नहीं मिल पाता इंडिया में थिएटर्स के अंदर, देन भाई आप लोग को निराश होने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसका जो ब्लू रे वाला वर्जन है आप लोग को 12 अप्रैल को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा जिसमें इसके एक्सटेंडेड कट को भी इंक्लूड करा जाएगा। तो आगे इसके ऊपर लाइक मेरे को और भी जैसे न्यू कंफर्मेशन मिलेंगे मैं आप लोग को आने वाले टाइम में अपडेट कर दूंगा। अभी करंटली भाई मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। तो आप लोग बताना कितने लोग स्पाइडरमैन के एक्सटेंडेड कट वर्जन के लिए एक्साइटेड हो बिकॉज उसमें हम लोग को काफी सारे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं जिसमें भाई डेयर डेविल का कुछ आप लोग को पार्ट देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो हम लोग को तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिले थे उनके भी कुछ लाइक जो अनकट वर्जन है वो भी देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही भाई सोनी पिक्चर्स ने भी अनाउंस करा था कि वो लोग इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स वर्जन को भी रिलीज करेंगे। तो देखते हैं भाई हम लोग को आगे क्या क्या देखने को मिलता है। जो भी लाइक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेंगे मैं आप लोग को आगे इन्फॉर्म कर दूंगा। करंटली अगर आप लोग की जो वीडियो था अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।